हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 5, जिसका नाम है इनपुट एंड आउटपुट। और यार, ये एक समरी वीडियो है, सो बहुत छोटा वीडियो होगा। अगर इसमें जो भी पॉइंट समझाएं, अगर उसको ना समझ में आए, तो इसी के साथ यहाँ पे एक डिटेल्ड वीडियो भी मौजूद है। और उस डिटेल्ड वीडियो में बहुत सारा, ये सारा कंटेंट है, ये सब डिटेल में बताया गया। अभी फिलहाल चलते हैं समरी वीडियो पे। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम है इनपुट एंड आउटपुट। तो हम लोग आउटपुट के बारे में पढ़ेंगे। आउटपुट के बारे में, प्रिंट किस चीज के लिए यूज होता है? प्रिंट यूज होता है आउटपुट देने के लिए। तो यार, जल्दी जल्दी काम करते हैं। जैसे प्रिंट ऑफ हेलो, अगर हमें हेलो प्रिंट करना हो तो प्रिंट हेलो लिख के हम अगर कर देंगे तो यहाँ पे हेलो हो जाएगा प्रिंट। अगला है प्रिंट हेलो। और हमें ये भी पता है, हम जो भी एस्केप सिक्वेंसेस होते हैं वो टेक्स्ट के बीच में यूज कर सकते हैं, जैसे \\n\t, कुछ भी। ठीक है, ये हो गया हेलो सर, हेलो, और अगली लाइन में ये आ गया। ठीक है, अगला है प्रिंट। अगर हमें कोई भी चीज, जैसे यहाँ पे हमें प्रिंट करना है राम 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 3 बार, तो हम क्या करेंगे? हम एक काम करेंगे, 3 * राम इज रिटन 3 * 3 टाइम्स। टाइम्स यहाँ पे सिंगल कोट्स में होगा, क्योंकि टाइम्स एक स्ट्रिंग है। जब यहाँ पे प्रिंट करेंगे तो राम 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 3 बार प्रिंट हो जाएगा, और 3, यहाँ पे जो 3 है ये भी 3 बार प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अगला आता है प्रिंट 3 + 6। यार देखो, प्रिंट के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं? प्रिंट के अंदर हम लोग यहाँ पे इवेल्युएट भी कर सकते हैं। अगर कोई भी एक्सप्रेशन दिया है तो हम लोग उसे इवेल्युएट हो जाएगा। जैसे 3 + 6 अगर लिखा है तो 9 हो जाएगा, या फिर डिवीजन, या भी कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। ओके, पर अगर हम लोग यहाँ स्ट्रिंग के लिए यूज करेंगे तो स्ट्रिंग के लिए कंकेटिनेट हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा हेलो और सर। यहाँ पे स्पेस था, इसीलिए यहाँ पे हेलो सर के बीच में स्पेस आ रहा है। अब अगला है वैल्यू देना। a, b को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे a की वैल्यू 2 हो जाएगी और b की वैल्यू 3 हो जाएगी। अगला आते हैं प्रिंट हेलो इंड इज इक्वल टू \n। ये चीज मैंने पहले ही बताई है, इंड का यूज करते हैं। यार प्रिंट क्या काम करता है? प्रिंट ये काम करता है कि जब भी प्रिंट का सारा आइटम खत्म हो जाता है, तो एक बार अगली लाइन में जो अगला आउटपुट होता है वो सब अगली लाइन में भेज देता है। बट अगर हमने इंड में यहाँ पे केवल स्पेस लगा रखा है तो अगले लाइन में नहीं भेजेगा। ये चीज हम लोग चेक भी कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ से किया कॉपी। और हाँ, ये चीज चेक करने के लिए यार वैसे हम लोग को फाइल खोलनी पड़ेगी, आइडल पे नहीं चेक हो पाएगा, तो आप लोग चेक कर लीजिएगा। अगला है यहाँ पे दूसरा तरीका है प्रिंट को यूज करने का। जैसे एक तो हम लोग नॉर्मली इस फॉर्म में लिख सकते हैं, दूसरा हम लोग परसेंट और आगे ब्रैकेट में कुछ लिख सकते हैं, और तीसरा एक और तरीका है जो डॉट फॉर्मेट के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो यार हम लोग जल्दी जल्दी सारे फॉर्मेट पढ़ लेते हैं। और यहाँ पे %i और %d इंटीजर के लिए यूज होता है, %f फ्लोट के लिए यूज होता है, %s स्ट्रिंग के लिए, और %c कैरेक्टर के लिए। जैसे यार हमने ये लिखा प्रिंट ये मैंने जो वैल्यू है यहाँ पे लिख दी है। अब देखना यार, मैंने केवल %f लिखा है और यहाँ पे इज आ नंबर लिख दिया। अब क्या होगा यार, ये जो 3.456 7 8 है, ये यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे वैल्यू आ गई है। ठीक है, अगर हमने यहाँ परसेंट और एफ के बीच में कुछ और भी यूज किया है, जैसे कि मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ यार ये फ्लोट नंबर है, लेकिन मैं सिर्फ 2 डेसिमल प्लेसेस तक इसे ले जाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 0.2 डेसिमल प्लेसेस। अब ये देखिए यहाँ पे आ गया 3.46। सेम यार, अगर हमें कोई स्ट्रिंग प्रिंट करनी है तो स्ट्रिंग हम लोग ऐसे प्रिंट कर देंगे, जैसे कि हमें स्ट्रिंग प्रिंट करनी है यहाँ पे, और यहाँ पे %8s है, तो हेलो परसेंट, पहले एस का यूज करके देखते हैं, %s सर में, यहाँ पे हेलो और सर सर जो है ये %s की जगह आ गया। अगला क्या कर लें, अगला हम लोग परसेंट और एस के बीच में कोई नंबर भी यूज कर सकते हैं, जैसे %19s। देखा, हेलो और सर के बीच में 19 स्पेसेस इसने दे दिए हैं। और सेम चीज अगर हम लोग क्या करें, यहाँ पे कॉपी करके यहाँ करें पेस्ट, और देखिए %9s के बाद गुड लिखते हैं यहाँ पे। अब ये क्या करने वाला है, ये राइट साइड इतने स्पेसेस दे देगा। सॉरी, मैंने पॉजिटिव ही लिख दिया, मुझे नेगेटिव लेना था। यहाँ पे कॉपी करके यहाँ करूंगा पेस्ट, और -19s। अब ये नेगेटिव साइड, इसने इतना स्पेस ले लिया है नेगेटिव साइड, यानी राइट साइड। ओके, अगला आते हैं, ये हो चुका है। अब यार अगला फॉर्मेट है डॉट फॉर्मेट के फॉर्म से। अगर हमने यहाँ पे इसको कॉपी कर लिया और इसे कर दिया यहाँ पे पेस्ट, जैसे कि सन इज अ स्टार। अब क्या होगा, सन पहली पोजीशन पे आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा सन इज अ स्टार। अगर एक से ज्यादा हमें यूज करना है तो देखें यहाँ पे सन इज आ, यहाँ पे भी अगर मैं ऐसे यूज करना चाहता हूँ तो मुझे एक और वैल्यू इसे देनी पड़ेगी, सन इज अ स्टार। यहाँ पे आ गया सन इज अ स्टार। अगर मुझे यहाँ पे
ऑर्डर नहीं फिक्स है, जैसे मैं सन को स्टार को पहले लाना चाहता हूँ और सन को बाद लाना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट इंडेक्स दे दिया, मैंने यहाँ पे जीरो इंडेक्स दे दिया, अब आ जाएगा स्टार इज अ सन, ठीक है, क्योंकि पलट गया। यहाँ पे अगर नंबर देंगे तो यहाँ से इंडेक्सिंग वो फेच करेगा और उसके बाद वैल्यू देगा। अब यार जल्दी से इनपुट पे आ जाते हैं, इनपुट किस लिए होता है, कोई इनपुट वैल्यू लेने के लिए। जैसे यहाँ पे अगर इसको हम लोग देखते हैं, एंटर स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में मैंने लिख दिया राम, ठीक है। अब क्या है एसटीआर, एसटीआर क्या है, एसटीआर के अंदर राम फिल हुआ पड़ा है। एक और तरीका यार देखो, हम लोग अगर हमें कोई कई सारे नंबर का कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कई बार स्टेटमेंट यूज करते हैं, ए इनपुट फर्स्ट नंबर, इनपुट सेकंड नंबर, इनपुट थर्ड नंबर, बट अगर इसको साथ में यूज करना है तो हम लोग क्या यूज करेंगे, इस फॉर्मेट में यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे मुझे चार नंबरों को ऐड करना है तो मैंने नंबर नाम का एक वेरिएबल लिया और इसे हम लोग ऐसे लिखेंगे, जरा वापस से ध्यान दीजिएगा, फॉर एक्स इन इनपुट इंटर थ्री नंबर या फोर नंबर, ओके इंटर फोर नंबर, डॉट स्प्लिट इसलिए लगाया है क्योंकि कॉमा पे डॉट स्प्लिट सेपरेट कर देगा हमें, ठीक है। इंटर जैसे ही करेंगे इंटर फोर नंबर, चार नंबर को हमें कॉमा देना पड़ेगा, थ्री कॉमा फोर कॉमा फाइव और कॉमा सिक्स। अब नंबर को प्रिंट करिए, नंबर एक लिस्ट बन चुकी है जिसमें चार एलिमेंट हैं। अगर हमें यहाँ पे कॉमा की जगह स्पेस को कंसिडर करना है तो हम लोग कॉमा की जगह यहाँ लगा देंगे कि स्पेस, करेंगे इंटर थ्री स्पेस फोर स्पेस फाइव स्पेस सिक्स, वापस से ये लिस्ट के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। इस बार अगर नंबर को चेक करते हैं तो भी ये लिस्ट है और यहाँ पे हमने स्पेस स्पेस किया, यहाँ पे हमने कॉमा किया है और कॉमा किया है तो यहाँ पे हम लोग ने स्प्लिट में कॉमा लगाया है, यहाँ स्पेस किया है हम लोगों ने तो स्प्लिट के अंदर स्पेस लगाया है। इस फॉर्म में हम लोग कर सकते हैं यार। यहाँ पे हम लोग को अगर टपल बनाना है, लिस्ट नहीं बनाना है, तो हम लोग यहाँ पे टपल भी बना सकते हैं, ऐसे रन करना चाहिए यार ये, नहीं क्लोजिंग पैरेंथेसिस डज नॉट मैच, एक एरर आ गई है क्योंकि मैंने यहाँ पे पैरेंथेसिस सही नहीं लगाया है। अब चार नंबर और मुझे स्पेस से सेपरेट करना है, थ्री कॉमा फाइव कॉमा सेवन कॉमा नाइन, ओके। अब नंबर एक टपल बन चुका है, जनरेटर ऑब्जेक्ट फॉर आई इन नंबर प्रिंट ऑफ आई, आई को प्रिंट कराना है तो आई प्रिंट हो जाएगा, ये देखिए थ्री फाइव सेवन नाइन, जनरेटर ऑब्जेक्ट, ओके। ये ऑब्जेक्ट टपल में नहीं है, ये कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है जिस फॉर्म में ये कन्वर्ट हुआ है, बट यहाँ पे जो लिस्ट है ये तो ऊपर वाला तो लिस्ट ही फॉर्मेट में हुआ था, तो हम लोग जब भी यूज करेंगे इस चीज का यूज कर लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, इवेल, इवेल फंक्शन क्या करता है यार, इवेल फंक्शन ये करता है कि अगर हमें इनपुट में कोई एक्सप्रेशन डालना हो, जैसे हमें करना हो इनपुट, इनपुट के अंदर हमने लिख दिया एंटर आ एक्सप्रेशन, एंटर आ एक्सप्रेशन, अब क्या होगा, अब हमने लिखा 4 प्लस 6 इंटू 4 प्लस 6 इंटू 5, अब यार 6 इंटू 5 30 प्लस 34, ए का रिजल्ट आएगा 34। इवेल मतलब इवेलुएट कर देना। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं बताता हूँ यार, यहाँ पे इवेल में हमने लिखा और इसके अंदर हमने लिख दिया एंटर अ लिस्ट, यानी एक लिस्ट डालो। अब क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ से, हम लोग यहाँ से एक लिस्ट भी दे सकते हैं, वन कॉमा टू कॉमा, यहाँ पे दे दिया राम। अब यार ए क्या एक लिस्ट बन चुका है, यहाँ पे लिस्ट की जगह हम लोग टपल भी दे सकते हैं, एक डिक्शनरी भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। जैसे वापस से ट्राई करते हैं, एंटर अ लिस्ट की जगह हमने लिख दिया एंटर अ टपल, इस बार हम लोग एक टपल वैल्यू डालेंगे 1, 2, 5। अब यार एक टपल बन चुका है। तो यार अगर हम लोग को कमांड लाइन आर्गुमेंट इनपुट लेना है तो वो कैसे होगा, वो होगा हम लोग को बनानी पड़ेगी एक फाइल जिसका हम लोगों ने नाम रख दिया है cmd.py, sys मॉड्यूल इंपोर्ट करेंगे, उसके बाद sys.argv, ये क्या करेगा, ये आपको एक लिस्ट प्रोवाइड करेगा। तो आइए हम लोग बनाते हैं, मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बना रखी है, हम लोगों ने पहले इम्पोर्ट सिस कर लिया है, सिस डॉट ए आर जी बी हमें प्रोवाइड करेगा एक लिस्ट और वो लिस्ट हमने ए आर जी एस में स्टोर करा रखी है और हम लोगों ने ए आर जी एस प्रिंट करा दिया है, ठीक है। अब हम लोगों ने ये सी एम डी डॉट पी वाई से सेव करके रखा हुआ है। एक काम करते हैं हम लोग चलते हैं, पहले सबसे पहले यहाँ पे हम लोग सी एम डी में ओपन करेंगे वो पाथ जहाँ पे डेस्कटॉप डेस्कटॉप में पड़ा हुआ है। यहाँ पे देखिए कि मैंने इसको कर लिया कॉपी, मैं खोलूंगा अब यहाँ पे सी एम डी, CMD ओपन हो गया है मेरा CMD। नाउ CD स्पेस करके मैंने वो पार्ट डाल दिया, उसके बाद मैं क्या करूंगा PY
और मुझे उस फाइल का नाम cmd.py और आर्गुमेंट जितने भी पास करने हैं स्पेस के साथ 3, 4, 5। क्या हुआ यहाँ पे, इम्पोर्ट सिस, मैंने इम्पोर्ट लिखा यार, इम्पोर्ट होगा यहाँ पे। ओके ओके मैंने इसे कर दिया सेव। वापस से हम लोग इसको रन करते हैं 3, 4, 5। देखिए यहाँ पे 3, 4, 5 प्रिंट हो गया है। पहला आर्गुमेंट एक लिस्ट बनाएगा जिसमें पहला क्या है, पहला फाइल का नाम है, दूसरा, तीसरा, चौथा यहाँ पे क्या है, वो आर्गुमेंट है जो हम लोग यहाँ से पास करते हैं, और ये है एक लिस्ट। तो हम लोग कोई भी इस लिस्ट के साथ कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो होता है खत्म। अगर इस वीडियो को डिटेल में देखना हो तो हम लोग का डिटेल वीडियो जो है उसे करिए। ओके चलिए अभी मैं चलता हूँ, गुड बाय।